तीसरे चरण की शिक्षक बहाली को लेकर पटना से इस वक्त की बड़ी अपडेट आ रही है। बंपर बहाली है आपके सामने। 10 फरवरी से ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। 7 से 17 मार्च के बीच आपका बीपीएससी टीआरई 3 का जो एग्ज़ाम है वो कंडक्ट किया जाएगा। 90,000 होंगे पद। भाषा के प्रश्न आसान रहेंगे। तीसरे चरण की शिक्षक भर्ती में निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। सप्लीमेंट्री रिजल्ट भी जारी नहीं किया जाएगा। इसके साथ साथ एक और चीज़ नहीं होगी, वो अभी आगे हम आपको बताएंगे। इन कक्षाओं के लिए भर्ती आएगी। आखिरी तारीख पर ये विशेष ही करेंगे आवेदन। तो जो सबसे महत्वपूर्ण अपडेट है वो आगे वीडियो में आपको बताएंगे कि वो चीज़ यहाँ पर नहीं होगी, तो उसका किन किन अभ्यर्थियों को फायदा मिलेगा। इसके साथ ही तीसरे चरण की परीक्षा में सप्लीमेंट्री के सभी पद शामिल किए गए हैं जो कि दूसरे चरण के शिक्षक बहाली में छूट गए थे। इसके साथ ही तीसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा 7 से 17 मार्च के बीच होगी। ये परीक्षा करीब 90,000 पदों पर नियुक्ति के लिए होगी। 10 फरवरी से ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो जाएंगे और आवेदन की आखिरी तारीख 23 फरवरी रहेगी। 25 मार्च तक आपका रिजल्ट निकाल दिया जाएगा। बीपीएससी के अध्यक्ष मिस्टर अतुल प्रसाद जी ने कहा कि दूसरे चरण की परीक्षा की इस तरह परीक्षा भी निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। ठीक है, निगेटिव मार्किंग नहीं होगी, हमने आपको पहले बताया था। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि इस बार भी डोमिसाइल नीति लागू नहीं होगी। ये सभी अभ्यर्थी समझ लें, डोमिसाइल नीति लागू नहीं होगी, यानी कि पूरे भारतवर्ष के जो अभ्यर्थी हैं वो बिहार में टीचर बनने के लिए उन्हें मौका मिल चुका है। आप इंडिया के किसी भी कोने से बिलोंग करते हो, आप बिहार शिक्षक बहाली परीक्षा में आवेदन के लिए एलिजिबल हैं। बिहार में इस बार भी डोमिसाइल नीति लागू नहीं करने का फैसला लिया गया है। इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।